अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे, अल्लाह आपको यूं ही खैर और आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है और वही खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरी इस खुशी में खुश होकर मुझे दुआओं से नवाजेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के फजल से अरीबा टूरिज्म दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है और अल्लाह के फजल से अरीबा टूरिज्म की नई ब्रांच ओपन हुई है, तो आज के मुजाकरे में मैं उसके बारे में कुछ बात अर्ज करूंगा और साथ ही साथ दो से तीन अहम चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आए हम अपने मुजाकरे की शुरुआत करते हैं। भाइयों और मेरी बहनों, आप लोगों ने हमेशा अरीबा टूरिज्म को सपोर्ट किया और अरीबा टूरिज्म पे ट्रस्ट किया और यही हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है और यही हमारे लिए एक अहमियत की हामिल चीज है कि आप लोगों ने भरोसा किया जो अरीबा टूरिज्म यहाँ तक पहुंचा। मैं यही अर्ज करूंगा, मैं चला था जाने में मंजिल, लोग आते गए और कारवां बढ़ते गया। अल्लाह के फजल से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जर्नी को तय कर रहे, बढ़ रहे हैं। अरीबा टूरिज्म की नई ब्रांच संगमनेर में ओपन हुई है, जिसका इफ्तिताह मशहूर और मारूफ स्कॉलर और फेमस यूट्यूबर हजरत मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब, जो अरीबा टूरिज्म के माध्यम से और अरीबा टूरिज्म के साथ जिन्होंने उम्रे का सफर भी लास्ट मंथ किया, और उनके क्या फीडबैक रहे वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा और पूरा मंजर कैसा था ओपनिंग का, तो आप इस पूरे मंजर को देखें और हमें दुआओं से नवाजें। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक के पाक नाम के साथ हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं हमारे बरदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद जकी साहब इशाती, इनको मैं दावत देता हूँ। वक्त में इतनी छोटी सी नोटिस में आप लोगों ने लबाई कहा और इस मजलिस में आप लोग शरीक हुए। साथियों, अरीबा टूरिज्म क्या है और अरीबा टूरिज्म से आपको क्यों जुड़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज उमरा और टूरिज्म इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल से मैं काम कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म ऑथेंटिक होने के साथ साथ लाइसेंस होल्डर है, सबसे पहली बात। और ये बात मैं जुबानी नहीं कह रहा हूं, ये बात आज सबके पास, एक बात मैं आपसे कहूं कि ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है। आप अरीबा टूरिज्म सर्च करें, आपको पूरी जानकारी इंटरनेट में मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उमरा लाइसेंस होल्डर और हज का लाइसेंस होल्डर अरीबा टूरिज्म एक ऐसी कंपनी है। अरीबा टूरिज्म में काम क्या क्या होते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। अल्लाह के फजल से अरीबा टूरिज्म में जहां हज और उमरे का काम होता है वहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म का भी काम करते हैं हम लोग। 65 कंट्री के वीजा प्रोसेसिंग अरीबा टूरिज्म के अंदर में होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिस से होते हैं। साथ ही साथ हम आयटा होल्डर है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के हम मेंबर है, इसके अंदर में हम तकरीबन 20 ज्यादा एयरलाइन में काम करते हैं, जो इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है। अगर मैं दूसरे काम की तरफ जाऊं तो अरीबा टूरिज्म के अंदर आरए का भी अरीबा टूरिज्म के पास लाइसेंस है। अरीबा टूरिज्म आरए का लाइसेंस मीन्स रिक्रूटमेंट एजेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा की तरफ से ये बिल्कुल अप्रूव शुदा एक लाइसेंस हमारे पास है कि हम अब्रॉड में, चाहे जीसीसी कंपनी हो चाहे यूरोपियन कंपनी हो, इन कंपनी में हम जॉब रिक्रूटर बोलकर हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और इसका लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म के पास है। साथ ही साथ एक और एक लाइसेंस जो अरीबा टूरिज्म के अंदर में आता है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म के अंदर में हमने कई चीजें इंपोर्ट भी की और एक्सपोर्ट भी की, चाहे वो लॉकडाउन का टाइम हो या लॉकडाउन के पहले भी हम लोगों ने ये काम किया। आपने लॉकडाउन के अंदर ये बात भी सुनी होगी कि जो जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग इंडिया आ गए लेकिन जा नहीं सके, तो उन लोगों को भी अरीबा टूरिज्म में स्पेशल चार्टर फ्लाइट के थ्रू, जब फ्लाइटें बंद थी कोविड में, आप यकीन माने 5000 से ज्यादा बंदों को अरीबा टूरिज्म ने उनके काम, उनके जॉब तकरीबन 17 से ज्यादा कंट्री में भेजा है, 17 से ज्यादा कंट्री से होकर उनको भेजा है।
और ये बात मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाएंगे अरिबा टूरिज्म का आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसमें आपको कई सारी वीडियो देखने मिल जाएंगे और उनका फीडबैक भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि अरिबा टूरिज्म जब काम कर रहे हैं, हम ये बात हमने बारह कहेंगे कि हमारा यही एम है कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े उन लोगों को सर्विस अच्छी से अच्छी मिले, चाहे वो हज का सेक्टर हो, चाहे उमरे का सेक्टर हो, चाहे कोई और दूसरा सेक्टर हो। आप तमाम लोग अरिबा टूरिज्म से जुड़े, अरिबा टूरिज्म की खिदमत से आप फायदा उठाएं। अब अगर मैं सर्विस के बारे में सिर्फ हज और उमरा के टॉपिक में अगर मैं बात करूं, हमारे पास इकोनॉमी बजट से लेकर प्रीमियम पैकेज तक हम लोग सर्विस देते हैं। मैं आपको दावे के साथ नहीं बल्कि फखर के साथ बोलता हूँ, आप फोटो में मुझे रखो और कहो कि ये होटल में मुझे रिहाइश मांगना है, आपको अरिबा टूरिज्म वो होटल में आपकी रिहाइश कराएगा। क्यों इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ? पहली बात तो हमारा रिजर्वेशन का एक चैनल बहुत मजबूत है, साथ ही साथ उमरा की कंपनी हमारी खुद की है, ट्रेन टिकट हमारे पास से इश्यू होती है अल्लाह के फजल से। अभी मैं 25 तारीख का आपको वाकया सुनाता हूँ, 25 तारीख 3 दिन पहले की बात है। हमारे साथ एक साथी जा रहे थे उमरे के लिए, बेटा जा रहा था उमरे के लिए, उनके बड़े भाई का मुझे फोन आया सुबह 10 बजे, शाम को 9:30 बजे की फ्लाइट है, 9:40 की इंडिगो की। सुबह में 9:30 बजे उनका कॉल आता है, मौलाना साहब मुझे मेरे अम्मी को भाई के साथ उमरे के लिए भेजना है। मैं बोला भाई इतना अर्जेंट में तो नहीं होगा? बोले देखो अगर हो गया तो आप कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। 12:30 बजे मैंने उनके काम पे प्रोसेस किया, मैंने बोला भाई वन वे टिकट अभी मारेंगे, आगे की टिकट का मैं इंतजाम करता हूँ, 38,000 वन वे टिकट का अभी फेयर आ रहा है, आपको मंजूर है? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप चाकन से निकलो एयरपोर्ट पहुंचो मैं वीजा भेज दूंगा आपको। मैंने क्या कहा, उमरा वीजे की बात कर रहा हूं, 12:30-1 बजे मैंने उनको कहा कि आप 12:30 बजे आप निकल जाओ एयरपोर्ट पहुंचो मैं उमरा वीजा भेज दूंगा। मैंने उमरा वीजा अप्लाई भी किया, सऊदी से उसको अप्रूव भी कराया और उनको भेज भी दिया। तो ये सर्विस हम लोग देते हैं। आप अगर बजट पैकेज आप चाहते हो कि हमको बजट पैकेज के अंदर आप सर्विस दें, हम वो भी आपको देंगे। आप कहते हैं इकोनॉमी में तो हम वो देंगे, आप कहते हो डिलक्स में चाहिए हम वो भी देंगे, आप कहते हो कि प्रीमियम में चाहिए हम वो भी आपको देने के लिए तैयार है, बिकॉज हम लाइसेंस होल्डर है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि ये जो ऑफिस यहां पर ओपन किया है हमने, उसकी वजह सिर्फ यही है कि कई सारे इसके अंदर हमारे साथ जाकर आए भी है, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के इंतहा में हम उनका फैसिलिटेशन भी करेंगे। बट मेरा बोलने का मकसद ये है कि जब हम लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से भी हमारे पास पासपोर्ट है, हमें पूछा जाएगा, और जब तक हमारा रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक हमें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप ऑथेंटिक और लाइसेंस होल्डर टूरिज्म से जुड़ने जा रहे हो, मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आप अरिबा टूरिज्म से जुड़े, इसके जो जो काम है उन तमाम कामों से फैसिलिटी से आप फायदा उठाए, इससे हमें भी खुशी होगी कि हम आपको फैसिलिटी दे रहे, और आप लोगों को भी घर बैठे जो हमको दूर दूर जाके भटकना पड़ता वो आपको आपके शहर में संगम में इसका फायदा मिलेगा। तो बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुफ्ती सालिम साहब से जुड़े और अरिबा टूरिज्म से जुड़े, इंशाल्लाह इसमें आपको भी नफा होगा, हमें भी नफा होगा, और अलग अलग महीने में अलग अलग हमारी स्कीम निकलती है, खास करके उमरा को लेकर। अगर आप वेकेशन प्लान बाहर भी कर रहे हो तो वो भी पैकेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप अरिबा टूरिज्म से जुड़े, बस इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी एक तकरीब हम लोग करेंगे, सबसे पहले जमीर हमारे सामने पेश करें मौलाना रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दो लाइन बोलकर मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये कोई बयान का स्टेज नहीं है। मौलाना ने कहा कि बयान कीजिए, तो मैंने कहा कि ना बयान मैं करता हूँ ना मुकर्रर इतना हूं मैं, बस ये है कि कैमरे के सामने आदत हो गई है बोलने की तो वही बोलते हैं। तो यहाँ आप लोगों के सामने वो भी ऐसा मजमा जो इतना घूर घूर के देख रहा है तो डर भी लग रहा है, थोड़ा आप प्यार से देखिए तो बात निकल भी जाए, है ना। और मैं असल में संगमनेर तो मेरा मतलब इतना आना जाना, मैं यहाँ कुरन में 2 साल पढ़ा भी हूँ। आप हमारे अब्बा और ताया को भी जानते हैं, हाजी इस्माइल साहब के यहाँ कारखाने में मैं काम भी करता था, सीखता था। ये 92-93 की बात है, फैब्रिकेशन काम सीखता था। उसके बाद फिर हम पढ़ाई के लिए चले गए और पूना शिफ्ट हो गए। फिर वहां से हमने वहां जो बड़ा मदरसा है तालाब, वहां पर हमने तकरीबन 18 साल अब्बा ने और हमने
खिदमत की, और आप सब जानते हैं माशाल्लाह सोशल मीडिया पर अभी मैं लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब से सोशल मीडिया पर आया, 3 साल 3.5 साल तकरीबन हो गए, लेकिन अल्लाह का करम और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मोहब्बत इतनी मिली कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर मेरे 15 मिलियन के ऊपर फॉलोअर हैं, 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ के ऊपर फॉलो करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और आपको खुशी इस बात से होगी कि उसमें से 40% गैर मुस्लिम भाई बहन जो जिन्होंने फॉलो किया हुआ है और जो हमारी बातें सुनते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं। कोई भी मेरा ऐसा नागा नहीं है कि जब कोई नॉन मुस्लिम मुझसे न मिला हो और अपनी मोहब्बत का इजहार न किया हो, कोई भी ऐसा खाली नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह मिलते ही हैं। अब यहाँ पर हम अरिबा टूरिज्म के स्टेज के ऊपर और यहाँ की ओपनिंग पर आए हैं। मौला इरफान साहब मेरे बहुत पहले से दोस्त हैं और बहुत पहले से वो टूर चलाते हैं, लेकिन हमारा टूर के ताल्लुक से कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमारा इरादा हुआ कि हमको उमरा जाना है तो हमने मौड़ा से बातचीत की और मौड़ा के साथ में हम अभी 8 तारीख को गए और 23 तारीख को हम वापस आए। तो यानी आपको अरिबा टूर की सर्विस के बारे में शायद आप इतने से समझ जाएंगे बात को कि मैंने जनवरी के पहले हफ्ते में फिर जाने का इरादा किया हूं इसी टूर से, कि मैं जनवरी के पहले हफ्ते में फिर दोबारा उमरे को जाने वाला हूं। और मैंने ये भी कहा है कि जिनको भी हमारे साथ उमरा आना है वो जनवरी के पहले हफ्ते में आप अरिबा टूर से जो है अपना सीट बुक करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमें दुआओं से नवाजा होगा, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें देखकर आपको खुशी भी हुई होगी, और आप लोगों से यही दरखास्त करूंगा कि आने वाले टाइम में भी आप अरिबा टूरिज्म को और अरिबा टूरिज्म की टीम को यही सपोर्ट, यही प्यार, यही दुलार दे। अल्लाह मेरे कहने को आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।